रायपुर प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर राजधानी रायपुर के गुरु नानक चौक पर दीप जलाए गए। राजधानी रायपुर के सिख समाज के युवाओं के द्वारा गुरु नानक चौक पर दीप जलाया व गुरुदास किया गया। सिख समाज के युवाओं ने प्रकाश पर्व पर गुरु नानक चौक पर भव्य आतिशबाजी किया, साथ ही प्रसादी भी वितरण किया गया। हर वर्ष प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख युवाओं के द्वारा यह कार्यक्रम किया जाता है। इस कार्यक्रम में स्टेशन रोड गुरुद्वारा अध्यक्ष दिलीप सेहोरा ने राजधानी व प्रदेश वासियों को प्रकाश पर्व की बधाई दिया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। आज हम सब सिख समाज बड़े धूमधाम से श्री गुरु नानक साहब जी का प्रकाश शो जो कि 549वां है उसे बड़े धूमधाम से लोग मना रहे हैं, और मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे समाज की तरफ से, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को और पूरे हिंदुस्तान को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश शो की लख लख बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उस मालक से, उस वाहेगुरु से ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको एक सूत्र बांधे और हम सभी के अंदर में सेवा भाव जगाए, जिससे हम कौम की सेवा, अपने समाज की सेवा और मानवता की सेवा कर सकें। और गुरु नानक देव जी ने भी हमें ये शिक्षा दी थी कि कृत करो वन छको, मतलब कि अपने मेहनत से कमाओ और उसमें से दसवां हिस्सा आप भले कामों में लगाओ, जो सेवा समाज, जो दुखियों का दुख दूर करो। ये सेवा समाज, ये सेवा हमें गुरु नानक जी ने विरासत में दी है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि इस बात को, गुरु नानक जी की आज प्रकाश शो पे हम सब इस कम से कम इतनी प्रतिज्ञा करें, इतना अपने मन में विचार करें कि हमें आगे सेवा करनी है और समाज की सेवा भी करें, मानवता की सेवा करें और दुखियों का दुख दूर करने की कोशिश करें। मैं निरंजन सिंह खनुजा, स्टेशन रोड गुरुद्वार। CNI न्यूज रायपुर से गुरुशरण सिंह भामरा की रिपोर्ट। रायपुर रेलवे बोर्ड का RPF DG अरुण कुमार छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हुए हैं। उसमें बहुत से रेलवे के जमीन को अतिक्रमण किया गया है, उसके ऊपर अतिरिक्त पुलिस RPF 10,000 की भर्ती कर रहे हैं और टिकी ट्यूबों के लेकर दलाल सक्रिय है, उस पर विशेष रूप से कार्यवाही करने का निर्देश दिए हैं। रायपुर महानदी रेलवे गेस्ट हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। भर्ती के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो हमारा प्रशिक्षण है, और प्रशिक्षण में पिछली बार जो है करीब हमारे 15,000 लोग एक साथ आए थे, तो उनके प्रशिक्षण में थोड़ी सी हम लोगों ने त्रुटि पाई थी और हम फिर से उनका जो है रिफ्रेशर कोर्स करा रहे हैं, और अभी जो भर्ती आएंगे उनका भी जो है चरणबद्ध तरीके से फेज मैनर में उनका जो है प्रशिक्षण कराएंगे। दूसरा जो हम ऑन जॉब प्रशिक्षण करा रहे हैं कि आपको पता होगा कि 2003 से पहले RPF का मुख्य काम जो है वो रेलवे प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन और उससे रिलेटेड कार्य थे, और 2003 के बाद जो है वो पैसेंजर सेफ्टी एरिया में प्रोटेक्शन और इससे संबंधित कार्य आए हैं, तो उसमें जो रेलवे एक्ट और जो कानून और जिसका इन्वेस्टिगेशन RPF के हमारे नए कर्मचारियों को मिला है, उसके लिए हम लोग जो है वो डिविजनल लेवल पे जो है वर्कशॉप करा रहे हैं, जिसमें कि जो हमारे प्रोसिक्यूटर हैं, डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुला के हम जो है उनका इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग हम लोग करवा रहे हैं। उसके बाद जो रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण अपराध है उसमें RPF की भूमिका जो है वो पहले से काफी बड़ी है। पहले आप लोगों को पता होगा कि कई मामलों में ये था कि GRP उन चीजों को करती थी, अब जो है वो CNI न्यूज रायपुर से सुधा बाग की रिपोर्ट। रायपुर राजधानी बूढ़ा तालाब के इंडो स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार के द्वारा 3 दिवसीय संन्यास दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया। यह शिविर विगत 18 वर्षों से अनवरत जारी है। शिविर में साधकों के द्वारा ध्यान धारणा समाधि व दीक्षा प्रवचन साधनाएं प्रवचन यदि का लाभ लेने के लिए दूर दूर से साध का गुरुदेव अरविंद श्रीमाली के द्वारा दीक्षाएं साधना लेकर अपने व परिवार के लिए कामनाएं करते हैं और गुरु जी की तरफ से मिले मार्गदर्शन व रास्ते की ओर चलने के लिए सीख लेते हैं ताकि उनका जीवन सुखमय आनंदमय बना रहे। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार के द्वारा यह शिविर कार्तिक मास की पूर्णिमा को पूर्ण
सकता है जिसकी तैयारियां शिविर के हफ्ते भर पहले से की जाती है या 3 दिवसीय शिविर पूर्णिमा के 2 दिन पहले से शुरू होती है और कार्तिक पूर्णिमा में समापन होती है। CNI न्यूज़ रायपुर से छोटू यादव की रिपोर्ट।